सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ जो कि BSF की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, BSF में यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियरिंग का जो पोस्ट है वो निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि इसमें एज क्वालिफिकेशंस और क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो BSF के लिए जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है ये 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है ना, 1 अक्टूबर को ये लाइव होगा और ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आपको आ गया है और आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नीचे इसके बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का न्यूज़ लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है इसका मैं आपको बता दिया कि जो 31 अक्टूबर है वहाँ पे इसका लास्ट डेट है। इसमें जो कुल वैकेंसीज है ये है 139 पोस्ट है, लेकिन 139 पोस्ट में सब इंस्पेक्टर के लिए 103 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियरिंग सब इंस्पेक्टर के लिए 36 पोस्ट है। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है और जो जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर है उनके लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके तरफ हम जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जो BSF का जो पोस्ट निकला हुआ है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे पूरा मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं और इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर में करना होगा जिनके चार्जेस है 200 रुपीज़ में आप 200 रुपीज़ जो है आप ड्राफ्ट या पोस्टल एड्रेस के द्वारा जो है आपको यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप SBI या पोस्ट ऑफिस में जाके भी यहाँ से आप जो है यहाँ आपका जो फॉर्म है ये भर सकते हैं। तो इस फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसका जो वेबसाइट है वेबसाइट में जाना होगा। यहाँ पे जाके आप एक ठीक है ना एक तरीके यहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आपको करियर का ऑप्शन, करियर में ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा। फिलहाल अभी लाइव नहीं है कांस्टेबल और सब कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पे आपको लाइव हो जाएगा और यहाँ पे जो एड्रेस आपको वहाँ पे दे देंगे उसी एड्रेस पे आपको पोस्टल एड्रेस करके आपको भेज रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप नज़दीकी कोई भी पोस्टल एड्रेस या आप SBI ब्रांच में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आप इसको अप्लाई करने के लिए बोलिए। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के समय आपका फ़ोटो कॉपीज और आपका जो भी मार्कशीट है वो साथ में कैरी करके लेके जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और नए वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।